अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेजेट। और आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स इन सेट्स। तो बेसिकली फंक्शन किन्हें कहा जाता है, यूजुअली बच्चों को ये फंक्शन समझने में, उसकी टाइप समझने में मुश्किल इस वजह से होती है कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते कि ये है क्या चीज़। तो फंक्शन को देखो, समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को चीज़ समझ थोड़ी सी रिकॉल करनी होगी कि बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, देखो बाइनरी रिलेशंस के लिए आपको पता है हमें दो सेट्स दरकार होते हैं। जैसे लेट्स से आप यूं कह लो कि दो सेट में से एक सेट हमें सेट ए गिवन है, जिसके अंदर हम ले लेते हैं लेट्स एलिमेंट्स 1 और 2। ठीक है, और एक सेट हम सेट बी ले लेते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स हम ले लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होता है। तो अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे वो मिल जाएंगे 1a और 1b, इसी तरीके से 2a एंड 2b का। अच्छा, इसकी डिटेल मैं आज आप लोगों को इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि ये टॉपिक मेरा फोकस आज है फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स के ऊपर। तो अगर किसी को बाइनरी रिलेशंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स रिलेटेड डिस्क्रिप्शन चाहिए तो हमारे चैनल पे जाके वो प्रीवियस लेक्चर को बिल्कुल आप जाके देखें, वहाँ पे और क्लियरली आप लोग समझ में आ जाएगा कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड द बाइनरी रिलेशंस। ओके, सो ये चार हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बन जाते हैं अगर हमारे पास सेट ए एंड बी में 2 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, उसके बाद हमें पता है अगर हम लेट्स से मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने ए और बी का किया है इसके ना 4 ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, अगर इसके हम ऑल रिलेशंस बनाएं तो कितने रिलेशंस बनेंगे। इसका सीधा सा आंसर आप हमें क्या बताएंगे, इस सर इसके 16 रिलेशंस बन सकते हैं बिकॉज देयर आर 4 ऑर्डर पेयर्स। ठीक, तो अब रिलेशन से ही बेसिकली फंक्शंस बनते हैं। ठीक है, जो रिलेशंस आप बनाते हैं ना बाइनरी रिलेशंस उन्हीं में से फंक्शंस निकलते हैं, लेकिन उनमें दो कंडीशंस होती हैं। जो कंडीशन अभी मैं आप लोगों के सामने लिखने के लिए जा रहा हूँ, ये दो कंडीशंस जिस रिलेशन पे भी अप्लाई होंगी वो रिलेशन जो है फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब वो है क्या उसको ज़रा समझते हैं। अच्छा जी, देखिए पहली कंडीशन जो हमारी है वो ये है कि जो डोमेन होगा उस रिलेशन का दैट विल बी इक्वल टू ए। ए मीन्स जो फर्स्ट सेट मैंने आपके सामने लिखा है ना, यहाँ पे दिस वन, ये जो डोमेन होगा उस रिलेशन का वो पहले सेट के इक्वल होगा, दैट मीन्स वो पूरा का पूरा यही सेट बन रहा होगा। ये पहली कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वो रिलेशन रिलेशन ही रहेगा, वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन हमने जहन में रखनी है। दूसरी कंडीशन क्या है जरा इसको भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ बी। इट मींस सेट ए का हर एलिमेंट यूटिलाइज होगा और वो सेट बी के साथ इस तरीके के ऑर्डर पेयर्स बना रहा होगा। बात समझ में आ रही है, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि देखें हम जब रिलेशंस बनाते हैं तो उसके अंदर हम लेट्स से आप यूं कह लें कि हम ये ले लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से आप यूं कह लेते हैं कि हमने ये और ये उठा लिए। ठीक है, बल्कि नहीं, ये वाले नहीं, हमने ये दो ले लिए, लेट से ये दो हमने ले लिए। तो अगर आप इसमें आप गौर करोगे तो इसका डोमेन 1 1, दैट मींस 1 डोमेन आ रहा है और डोमेन 1 जो है वो यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि जो डोमेन होगा वो पूरा का पूरा उसी सेट के इक्वल होना चाहिए जो कि यहाँ फुलफिल नहीं हो रहा। मेरी बात समझ में आ रही, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने पहली वैल्यू जो थी उसको रिपीट कर दिया है, जो चीज़ यहाँ पे नहीं कह रहा, गौर से देखने की चीज़ है, वो कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ बी। सेट ए का हर एलिमेंट यूज होना चाहिए, ये तो लाजमी है। अच्छा जी, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, डोमेन बनना चाहिए पहले सेट के बराबर और सेट ए का हर एलिमेंट यूज होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन किसी रिलेशन में अप्लाई नहीं हो रही है सो आप ये समझ जाना कि वो रिलेशन ही है, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब
इफ़ आई कैन से, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इसमें से आप मुझे कोई फंक्शन बना के दिखाएं इन दो कैटेगरीज के ऊपर, तो मैं एक फंक्शन देखें ये बना सकता हूँ। पहली कंडीशन क्या है, ऐसा मुझे रिलेशन उठाना है जिसके अंदर जो डोमेन है वो फर्स्ट सेट के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, मैं अगर लेट से यूँ समझें आप, मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, इन दो सेट्स को, एक मैंने ऑर्डर पेयर ले लिया है वन वन बी का, ठीक है, और एक ऑर्डर पेयर मैं ले रहा हूँ 2A का, ये मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। अब मैं देखता हूँ इन दोनों पे ये वाली कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही। देखिए पहली कंडीशन क्या थी, तो डोमेन है, डोमेन ऑफ दैट रिलेशन विल बी इक्वल टू A। अच्छा अब ज़रा डोमेन पे चेक करते हैं, डोमेन इसका क्या आ रहा है, डोमेन इस रिलेशन का हमारे पास आ रहा है 1 एंड 2, और देखें ये इस सेट के बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सही, यानी कि हम लोगों ने एक चीज़ निकाली है इसकी डोमेन तो बिल्कुल हमारे पास बन रहा है सही। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, वो कह रहा था सेट ए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट ए का हर एलिमेंट यूज़ होना चाहिए। तो देखें सेट ए का एक एलिमेंट 1 था जो हमने यूज़ किया है, ठीक है, और एक एलिमेंट 2 था हमने वो यूज़ कर लिया, ठीक है। दैट मीन्स ये एक रिलेशन जो मैंने आपके सामने बनाया है ये फंक्शन की डेफिनेशन पे बैठेगा आके, ठीक है। तो ये तो थी बेसिक डेफिनेशन के ये फंक्शन है क्या चीज़, ठीक। अब इसकी अगर मैं डायग्राम की बात करूँ ना, इसकी डायग्राम भी बहुत आसान सी होती है, हमें सिंपल करना क्या होता है, जैसे आप लोगों ने वैन डायग्राम्स के अंदर ये चीज़ देखी थी कि दो सर्कल्स आप बनाते हो, ठीक है, वो एक सर्कल सेट ए के लिए होता है, एक सर्कल जो है वो सेट बी के लिए होता है, दिस इज़ फॉर सेट ए एंड दिस इज़ फॉर सेट बी। देन सेट ए के एलिमेंट्स जो है आप सेट ए में लिख देते हो, उसमें 1 2 है, सेट बी के एलिमेंट्स आप सेट में लिख देते हो, सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना होता है, जो ऑर्डर पेयर आपके पास बने हैं ना, दिस वन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज कॉल्ड द इमेज, इमेज ऑफ दैट, ठीक है। आप यूँ कह सकते हो कि बी इज द इमेज ऑफ 1, ठीक है, एंड ए इज द इमेज ऑफ 2। तो हमें करना क्या होता है, इमेज की तरफ, ठीक है, इमेज की तरफ से 1 है, 1 की इमेज कौन सी है, बी, तो 1 से हम बी की तरफ एक इस तरीके से एरो बना देंगे, सिंपल इज दैट। इस तरीके से 2 की इमेज क्या है, ए, तो हम 2 से लेकर ए की तरफ हम इस तरीके से कैरो बना देंगे। सो दैट्स अवर फाइनल डायग्राम फॉर दिस फंक्शन, सिंपल, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो बेसिक हम लोगों ने देखा बेटा कि फंक्शन क्या चीज़ होगी। अब हम लोग चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ, देखते हैं इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। अच्छा अगर हम फंक्शंस की बेटा टाइप की बात करें तो सबसे पहली जो टाइप हमें मिलती है वो कहलाती है ऑन टू फंक्शन। ठीक है जी, देखिए ऑन टू फंक्शन मैं आपको बताता चलूं कि बेसिकली है क्या। फंक्शन जब ये आपसे कह रहा है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि फंक्शन की डेफिनेशन तो इस पे लगनी लाजमी चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, नंबर 1 जो कंडीशंस हैं डोमेन, नंबर 2 एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक। अब यहाँ पे हम दोबारा से यूँ समझ लो कि हम दो सेट्स ले लेते हैं, एक सेट हम ले रहे हैं, यूँ समझ लें आप, मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को चेंज करने जा रहा हूँ 1 2 3, ठीक है, और एक सेट हम ले लेते हैं बी, जिसके अंदर भी मैं एलिमेंट्स चेंज करके लेट से यूँ समझ लें आप मैं ले लेता हूँ एक्स एन वाई, ठीक है। नाउ अब देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करो तो आप ऑब्वियसली मुझे बताओगे सर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे दैट विल बी 1x 1y 2x 2y 3x एंड 3y, सिंपल इज दैट, ओके। लेकिन इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन किस तरीके से बनेगा, उसके लिए हमें ऑन टू फंक्शन की एक अपनी कंडीशन है वो जहन में रखनी है। दो कंडीशंस तो जो हैं वो हैं, लेकिन जो इसकी अपनी कंडीशन है वो क्या है कि जो रेंज होगी उस फंक्शन की, रेंज ऑफ दैट फंक्शन और रेंज ऑफ दैट रिलेशन विल बी इक्वल टू बी, ये ध्यान में हमने रखना है। बी से क्या मुराद है, दिस सेट, ठीक है, डोमेन जो था वो क्या था, फर्स्ट सेट से रिलेट करेगा, और जो रेंज होगी उस फंक्शन की या उस रिलेशन की वो बननी चाहिए सेकंड सेट के बिल्कुल इक्वल, जिस रिलेशन के अंदर ये कंडीशन लगेगी वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि ऑन टू फंक्शन आपके पास बेसिकली होगा क्या। देखिए अब लेट्स से मैं इसके अंदर एक फंक्शन बनाने के लिए जा रहा हूँ,
वन एक्स, ठीक है, टू वाई एंड थ्री वाई। देखिए आप अगर मैं आपसे कहता हूँ इसके ऑर्डर पेयर्स तो आप मुझे बताओगे सिक्स, ठीक है, और अगर टोटल रिलेशंस की बात की जाए तो टू टू द पावर ऑफ सिक्स विच इज इक्वल टू 64, 64 रिलेशंस इसके बन सकते हैं टोटल, ठीक। तो 64 रिलेशंस में से एक रिलेशन ये भी होगा ना, ठीक है ना। तो अब इसमें अगर आप और करो, देखो फंक्शन की पहली कंडीशन क्या थी कि जो उसका डोमेन होगा दैट शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट सेट। इसका डोमेन अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, वन टू एंड थ्री, जो कि वाकई तो इसके बराबर है, ठीक है। नंबर टू, जो सेट ए का हर एलिमेंट यूज़ होना चाहिए, सेट ए का देखें वन भी यूज़ हो रहा है, टू भी यूज़ हो रहा है, थ्री भी यूज़ हो रहा है, दोनों कंडीशन हो गई। तीसरी इसकी अपनी कंडीशन थी कि जो रेंज होगी, रेंज मीन्स होती है हर ऑर्डर पेयर की सेकेंड वैल्यू। तो इन दिस केस रेंज जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है एक्स एंड वाई, ठीक है। तो रेंज जो हमारे पास बन रही है, जो इस रिलेशन की जो रेंज बन रही है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है सेट बी के। दैट मीन्स ये फंक्शन जो है ये एक ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ओके जी, अगर अब हम इसके उसकी बात करते हैं डायग्राम की, तो इसकी डायग्राम किस तरीके से बन सकती है, इसकी डायग्राम देखिए इस तरीके से बन सकती है कि हमें सबसे पहले देखिए करना क्या होगा इसके अंदर। सिमिलरली दो सर्कल्स ड्रॉ करने होंगे, फर्स्ट सर्कल इज़ फॉर सेट एंड सेकेंड सर्कल इज़ फॉर सेट भी, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। ये सेट ए के लिए है एंड दिस वन इज़ फॉर सेट बी, और सेट ए में हम सेट ए के एलिमेंट्स मेंशन कर देंगे, दोज आर वन टू एंड थ्री, और सेट बी में हम सेट बी के एलिमेंट्स मेंशन कर देंगे जो कि हैं एक्स एंड वाई। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा कि जैसे हम इस देखो ऑर्डर पेयर में हम कह सकते हैं कि एक्स इज़ द इमेज ऑफ वन, वाई इज़ द इमेज ऑफ टू एंड थ्री, वाई इज़ ऑल्सो द इमेज ऑफ थ्री। तो हमें क्या करना होगा, एक्स की इमेज की तरफ एक्स वन से कैरो लेके एक्स की तरफ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देन टू की इमेज वाई है तो टू से वाई की तरफ एक स्ट्रेट लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे एक एरो बना के, ठीक है। इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैं हाथ से कर रहा हूँ इस वजह से जो है वो ये थोड़ा सा जो बैंड हो रही है, और वाई जो है वो थ्री की इमेज भी है तो फिर हम थ्री से भी एक इस तरीके से एरो ड्रॉ करके वाई की तरफ हम ले जाएंगे। एंड दिस इज़ द डायग्राम फॉर द ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट काइंड है ऑन टू फंक्शन फंक्शन की। अच्छा जी, दूसरी काइंड जो हमारे पास है वो है वन वन फंक्शन की, यानी कि ये टाइप्स की मैं बात बता रहा हूँ। फंक्शन जैसे हमने डिस्कस किया फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस की टाइप्स में अभी हमने ऑन टू फंक्शन देखा, अब हम लोग जो देखने के लिए जा रहे हैं वो है वन वन फंक्शन। अच्छा जी, वन वन फंक्शन बेसिकली क्या है, देखिए वन वन फंक्शन को कहा जाता है अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी अ वन वन फंक्शन इफ देयर इज अ वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस क्या चीज़ होती है कि हर एलिमेंट सेट ए का सेट ई के सेट बी के अलग एलिमेंट के साथ बिल्कुल इंडिविजुअल एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ जो है वो अपना ऑर्डर पेयर बनाएगा। लाइक मैं आपको मिसाल देता हूँ, सेट ए है ना, इसके अंदर हम यूँ समझ लें आप, हम एलिमेंट्स ले लेते हैं वन टू एंड थ्री, ठीक है। अच्छा, सेट बी के एलिमेंट्स में कुछ थोड़े से इंक्रीज करके लिख देता हूँ एक्स वाई जेड एंड अच्छा इसकी सीक्वेंस थोड़ी गलत हो जाएगी अगर मैं इसको डब्ल्यू एक्स वाई जेड कर देता हूँ, डब्ल्यू एक्स y एंड z, मैं w एंड पे भी ले सकता था लेकिन सीक्वेंशियली अल्फाबेटिकली w पहले आता है तो दैट्स व्हाई मैंने w मैंने पहले ले लिया। सपोज करते हैं ये दो सेट्स हमारे पास हैं, सेट a में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, सेट b के अंदर w x y z है, ठीक है। तो फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो हमें पता है क्या है कि जो डोमेन है वो पहले सेट से रिलेट करेगा, ठीक है, और सेट a का हर एलिमेंट यूज होना चाहिए। वो तो अगर उनमें से एक भी फेल होती है तो फिर ये फंक्शन फंक्शन नहीं रहेगा, रिलेशन ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो वन वन फंक्शन की कंडीशन है वो क्या है, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक अलग एलिमेंट के साथ जो है वो सेट बनाएगा। लेट से वन एंड डब्ल्यू का एक ऑर्डर पेयर बना लें, ठीक है, बनेगा बिल्कुल ये। इसी तरीके से टू और एक्स का एक ऑर्डर पेयर बना लेते हैं,
इसी तरीके से 3 और y का एक ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब इस रिलेशन में अगर हम गौर करते हैं, अगर ये रिलेशन उन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो इट विल बी अ 1-1 फंक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं इसका डोमेन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 1, 2, 3 विच इज एक्चुअली इक्वल टू सेट ए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या थी? कि सेट ए का हर एलिमेंट यूज़ होना चाहिए, तो सेट ए का हर एलिमेंट यूज़ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सेट ए में 1 आ गया, सेट ए से 2 आ गया, सेट ए से 3 आ गया, यही 3 एलिमेंट सेट ए में थे। तो फंक्शन की डेफिनेशन पे तो ये पूरा का पूरा रिलेशन फॉलो हो रहा है, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन पे भी उतरता है या नहीं। 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन मैंने अभी आपको क्या बताई थी, विच इज़ इन द 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के इंडिविजुअल अलग एलिमेंट के साथ, यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि 1 के साथ आपने W लिया तो आप 2 के साथ भी W ले लेंगे। रिलेशन तो बन सकता है, लेकिन वो 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन पे नहीं उतरेगा। फिर 1-1 का मतलब है सेट ए का एलिमेंट अलग होगा, सेट बी का अलग होगा, यानी सेट ए बी के एलिमेंट्स यहाँ पे फिर रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या ये वाहिद ऐसा रिलेशन है जो बनेगा, तो आप कहेंगे नहीं, और बन सकते हैं। लाइक आप यूं कह लो, आप 1 के साथ x ले लो, ठीक है, और आप 2 के साथ z ले लो, और आप 3 के साथ जो है वो w ले लो। अगर आप गौर करोगे तो क्या यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे वो चीज़ कंडीशन फॉलो हो रही है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। इसका डोमेन क्या है आपके पास, सॉरी, इसका डोमेन आपके पास क्या आ रहा है, 1, 2 एंड 3 विच इज़ इक्वल टू सेट ए, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़, सेट ए का हर एलिमेंट यूज़ हो रहा है, बिल्कुल यूज़ हो रहा है, दोनों कंडीशंस फंक्शंस की हो गई हैं फुलफिल। अब बात आती है हमारे पास, क्या सेट ए और बी अलग अलग एलिमेंट बिल्कुल बना रहे हैं इस ऑर्डर पर? इसका आंसर भी हाँ, एक्स 1x के साथ हो गया, 2z के साथ बिल्कुल अलग एलिमेंट के साथ इसने ऑर्डर पेयर बनाया, और 3 बिल्कुल ऑर्डर पेयर अलग बना रहा है। तो ये रिलेशन इससे तो मुख्तलिफ है ना, लेकिन ये तीनों कंडीशंस इस वाले सेट को भी अप्लाई हो रही हैं, इस पे भी हो रही हैं, दैट मीन्स ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, 1-1 फंक्शन की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसकी अगर डायग्राम की बात की जाए तो सिंपली डायग्राम क्या बनेगी, फॉर सेट ए दिस इज़ फॉर सेट बी, और सेट ए सेट बी, देन अगर हम गौर करें तो सेट ए के हमारे पास एलिमेंट जो हैं वो हैं 1, 2 एंड 3, और सेट बी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं w, x, y and z। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या x इज द इमेज ऑफ 1, तो हम 1 से एक एरो ड्रॉ करके एक्स की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या है, जेड इज़ द इमेज ऑफ 2, तो हम 2 से जेड की तरफ एक एरो ड्रॉ कर देंगे, एंड 3 इज़ डब्ल्यू इज़ द इमेज ऑफ 3, तो हम 3 से एक एरो ड्रॉ करके डब्ल्यू की तरफ ले जाएंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1-1 फंक्शन को। सिमिलरली जो ऊपर ब्लैक से मैंने रिलेशन या फंक्शन लिखा था, उसको भी आप इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दो काइंड्स हमारे पास हो गई हैं, थर्ड एंड द लास्ट वन इज 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन क्या है, ये इसके आपको वर्डिंग से ही अंदाजा हो रहा होगा। देखिए, 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन की वर्डिंग से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बेसिकली ऐसे फंक्शन उगा जाएगा जिसमें 1-1 और ऑन टू दोनों की कंडीशन जो है एक साथ अप्लाई हो रही हो, ठीक है। अब ये कोई नया फंक्शन नहीं है, बस आप यूँ समझें, अगर 1-1 ऑन टू समझ में आ गया तो फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यूँ समझ लो कि सेट ए में हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है, और सेट बी में आप यूँ मान लो हम एलिमेंट्स ले लेते हैं इसमें x, y एंड z। तो फंक्शन की कंडीशन जो पहली थी वो क्या थी, डोमेन बनना चाहिए सेट ए के बराबर, ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन थी वो क्या थी, सेट ए के हर एलिमेंट यूज़ होगा, ठीक है। नंबर 2, ऑन टू फंक्शन की जो कंडीशन थी वो क्या थी, कि जो रेंज है वो सेट बी के बराबर होगी, ठीक है, यानी वो भी इसमें अप्लाई होनी चाहिए। और सेट 1-1 फंक्शन की जो कंडीशन थी वो क्या थी, कि सेट ए और बी का अलग अलग एलिमेंट बिल्कुल सेट बनाएंगे। तो इन दिस केस इफ आई टेक द ऑर्डर पेयर्स लाइक, हमें पता है ये ऑर्डर पेयर्स तरीके से बन सकते हैं, 1x का एक ऑर्डर पेयर बन सकता है, ठीक है, दिस इज अ कॉलन साइन,
अच्छा, एक हमारे पास 2y का बन सकता है, एक हमारे पास 3z का बन सकता है। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ क्या ये चार कंडीशंस यहाँ अप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही। पहली कंडीशन, डोमेन शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट सेट। डोमेन क्या है? 1 2 3, ये सेट ए के बराबर है, फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो। दूसरी कंडीशन क्या थी? सेट ए का हर एलिमेंट यूज़ होगा। सेट ए का एलिमेंट 1 है, 2 है एंड 3 है, यूज़ हो रहे हैं, बिल्कुल तीनों यूज़ हो रहे हैं, दूसरी कंडीशन फुलफिल होगी। तीसरी कंडीशन जो ऑन टू की थी वो क्या थी कि जो रेंज होगी उस फंक्शन की, दैट शुड बी इक्वल टू द सेकेंड सेट। इसकी रेंज है एक्स वाई एंड जेड, और अगर हम गौर से देखें तो ये सेट बी के अंदर पूरी आ रही है, सेट बी के बराबर है, तो तीसरी कंडीशन अप्लाई होगी। और चौथी कंडीशन 1 1 फंक्शन की क्या थी? सेट ए का और एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट के साथ सेट बनाएगा, वहाँ रिपीटेशन नहीं होगी। तो देखिए, 1 के साथ x का पेयर बना, 2 के साथ अलग पेयर, अलग वैल्यू ली, अलग एलिमेंट आया 2, और y का पेयर बना 3 के साथ, फिर एक और एलिमेंट हमने अलग लिया है, देन 3 एंड z का एक पेयर हमारे पास बना। दैट मीन्स ये चारों कंडीशन जब मेरे पास फुलफिल हो गई तो ये फंक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा? 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसी तरीके से आप इसको रिप्लेस करके और भी फंक्शन इसके अंदर बना सकते हैं। लाइक अगर आप 1 के साथ y ले लें, ठीक है, 2 के साथ आप z ले लें, और आप 3 के साथ x ले लें, तो तब भी ये कंडीशन यहाँ फॉलो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अब इसकी डायग्राम की बात करते हैं। ठीक, तो डायग्राम देखें, सिंपल है, अभी तक की डायग्राम देख के आप समझ ही गए होंगे डायग्राम कितनी इजीली बन जाती है इसके अंदर, कि दिस इज़ फॉर सेट ए एंड दिस इज़ फॉर सेट बी। और सेट ए के एलिमेंट जो हमारे पास थे, 2 थे, 1 2 3 एंड x y z, ओके, 1 2 3। सेट बी के एलिमेंट्स हमारे पास थे x y z, थोड़ा छोटा ये सर्कल बन गया मेरे, तो कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर। अब हम यहाँ देखते हैं कि पहले हम देखते हैं इसमें क्या है, एक्स इज़ द इमेज ऑफ 1, तो हम 1 से एक्स की तरफ एक एरो इस तरह ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, देन 2 इज़ द इमेज ऑफ वाई, तो हम 2 से वाई की तरफ एक एरो ड्रॉ कर देंगे। एंड सिंपली जेड इज़ द इमेज ऑफ 3, तो हम जेड से 3 की तरफ एरो ड्रॉ कर देंगे। एंड दिस इज़ द डायग्राम फॉर 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। यही स्टेप आप फॉलो करके इस रिलेशन, इस फंक्शन का भी आप डायग्राम ईजीली बना सकते हैं। तो ये था फंक्शंस, और सेट के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, जो कि मैंने चाहा कि आप लोगों को एक तरतीब के साथ सारी चीज़ें समझा दूं आज के लेक्चर के अंदर। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, और कैसा लगा ये लेक्चर इस मुतालिक जो है अपनी राय ज़रूर हमें दीजिएगा कमेंट सेक्शन के नीचे, बताइएगा कि लेक्चर किस तरीके से आप लोगों को कैसा लगा है, और अगर हेल्पफुल लगा है तो काइंडली ज़रूर इस लाइव वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और काइंडली अगर आप लोग इस चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैथ्स रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों को जब भी नई अपलोड होंगी फ़ौरन से आप लोगों को मिल जाया करेंगी। तो इंशाल्लाह तो नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।